साथ में आपका दूसरा मंडलम में अध्यक्ष सैदी शर्मा जी है, आपके सेवई मंडलम के अध्यक्ष परम आदरणीय रमेश गांधी जी सरपंच साहब हैं, आपके समकक्ष हमारे सालोन मंडलम के अध्यक्ष मुकेश यादव जी हैं और भी मेरे साथ आप लोगों को संज्ञान में जो मैंने बात डाली है और इस प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है, क्योंकि इस दुनिया में मीडिया जगत इस दुनिया का छोटा विस्तम है। अगर मुझे अपनी बात ऊपर तक और वरिष्ठ नेता तक पहुंचानी है तो आप लोगों का सहयोग और मार्गदर्शन जरूरी रहता है और आप लोगों की सलाह जरूरी रहती है, क्योंकि आप लोगों की बात जमीन से लेकर आसमान तक पहुंचती है। इसलिए मैंने इस पत्रकार वार्ता का आयोजन इसलिए रखा है क्योंकि विगत कुछ दिनों से भांडर विधानसभा क्षेत्र के टिकट को लेकर जो अटकलें थी उनमें विराम लगा और कहीं ना कहीं मुझे पीड़ा इस बात की हुई कि मैं लगातार 15 सालों से भांडर विधानसभा क्षेत्र में संघर्ष में हूँ। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा शुरू से कहा जा रहा है कि सर्वे के आधार पर टिकट होगा, जनता की मांग के आधार पर टिकट होगा, जनता जिसको चाहेगी उसका ही टिकट होगा, क्योंकि आम चुनाव ये उपचुनाव जनता के द्वारा कराना है। लेकिन यह मुझे विश्वास है कि यह टिकट जनता की मांग पर नहीं हुआ और बिना सर्वे पर हुआ और यह टिकट सेटलमेंट के आधार पर कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया गया। क्योंकि आप पार्टी मैं अपनी बात वरिष्ठ नेताओं तक पहले पहुंचाना चाहता हूं, कहीं ना कहीं इस क्षेत्र की पीड़ा है और इस क्षेत्र के लोगों की बात मैं उन वरिष्ठ नेताओं के पास आपके माध्यम से पहुंचाना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं अगर आप सर्वे के आधार पर टिकट देते तो यह टिकट, मुझे विश्वास था कि भानु ठाकुर का हक था और टिकट मेरा ही होता अगर सर्वे होता तो ईमानदारी से जनता का सर्वे होता, लेकिन यह टिकट सेटलमेंट में चला गया। कहीं ना कहीं इस बात का दुख मुझे भी है और मेरे साथ जितने भी लोग इस क्षेत्र के लोग मुझसे जुड़े हो उनको भी इस बात का कष्ट है कि यह टिकट सेटलमेंट में चला गया, सर्वे के आधार पर नहीं था। युवाओं की अनदेखी हो रही है पार्टी में आपकी लगातार, ऐसा मानते हैं? कहीं ना कहीं मैं इस बात को स्वीकार करता हूं और आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से, युवा भीड़ नहीं है, युवा निरुत्त है, युवाओं की हक की लड़ाई लड़ने के लिए मैं शुरू से संघर्षरत हूँ, युवाओं को उनका हक चाहिए और कहीं ना कहीं अनदेखी तो हुई है। आज मेरे जैसा नौजवान लगातार 15 सालों से कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहा है, पिछली बार भी 2013 के विधानसभा के चुनाव में आप लोगों को सब पता है कि पूरी ताकत से मैंने टिकट मांगा था, इस बार भी काट दिया गया, पिछली बार का भी टिकट सेटलमेंट में गया, रक्षा सरोनिया ने पिछली बार बायोडाटा तक नहीं दिया, टिकट मांगा नहीं, सर्वे में नाम नहीं हो फिर भी रक्षा का हुआ, इस बार भी जो टिकट हुआ है उन्होंने बायोडाटा नहीं दिया, प्रभारी दतिया जिले के आए उनके समकक्ष उपस्थित नहीं रहे ना जनता में रहे, तो सबको पता है टिकट सर्वे के आधार पर नहीं हुआ। यह पीड़ा समूचे भांडर विधानसभा क्षेत्र की जनता जनार्दन की है कि टिकट सेटलमेंट में चला गया, इस बात का मुझे बड़ा दुख है और अफसोस है, कहीं ना कहीं युवाओं की अनदेखी जबरदस्त तरीके से हुई है। यदि आपका टिकट नहीं होता है तो क्या, क्या 16 बगावत करेंगे? 16 मंडलों के साथ आप इस्तीफा देने का ऐसा कुछ विचार है आपका? पहले तो मैं आपको इस बात से अवगत कराना चाहता हूं कि टिकट जो हुआ वो सेटलमेंट में गया, इस बात का भरोसा सबको है, और रही आपके चुनाव लड़ने की बात तो मेरे साथ भांडर समूचे क्षेत्र का जनता जनार्दन का आशीर्वाद है, सारे लोगों का प्रेम है, इसने मैंने मेहनत की है, अगर मेरी जनता ने कहा चुनाव लड़ जाओ तो मैं विश्वास दिलाता हूँ उनका पट्टा भानु ठाकुर गम नहीं खाएगा, मैदान में ताल ठोकेगा और जीत कर भी आने की जीत कर आएगा। इस पार्टी से नीचे आप चुनाव लड़ेंगे? जब जनता का आशीर्वाद होता है तो बैनर की जरूरत नहीं होती, जनता जनार्दन का आशीर्वाद ये बैनर है, चुनाव किसी से भी लड़ेंगे, जनता ने कहा निर्दलीय लड़ो तो निर्दलीय लड़ेंगे और जनता की आशा को निराशा में नहीं बदलेंगे, ये मेरा विश्वास है। चिन्ह की जरूरत नहीं है, जनता जब आशीर्वाद देगी तो वो सबसे बड़ा चिन्ह जनता जनार्दन का आशीर्वाद ही होता है। कांग्रेस से बगावत करेंगे? कांग्रेस से बगावत करेंगे? मैं अपने लोगों से क्षेत्र में जाकर पूछ रहा हूँ क्योंकि मैंने काम किया है, उनकी अनदेखी नहीं करूंगा मैं, ऐसा नहीं हूँ कि
बिना अपनी जनता जनार्दन और अपने परिवार से बिना पूछकर फैसला करूं। लगातार मेरा दौरा समूचे भांडेर विधानसभा क्षेत्र में जबरदस्त तरीके से चल रहा है। मैं पूछ रहा हूं और जा रहा हूं कि मैं अब क्या करूं, मैं चुनाव लड़ूं या न लड़ूं, लेकिन जहां से भी आवाज आई है या आवाज आई है, आप चुनाव लड़ो। आपने मेहनत की है, हमारे सुख दुख में भागीदार रहे हैं, आप चुनाव लड़िए, मैं आपके साथ हूँ। इसलिए मुझे बल मिलना है और मैं आपके माध्यम से बात कहना चाहता हूँ, हमारा संघर्ष जारी रहेगा और भी ग्रामों में मैं जाके लोगों से संपर्क कर रहा हूँ, लेकिन 70% लोग कह चुके हैं आप चुनाव लड़ो। इसलिए मैं आपके माध्यम से वरिष्ठ नेताओं के कानों तक यह बात पहुँचाना चाहता हूँ कि भांडर क्षेत्र की जनता अब शांत नहीं है, वो मेरा साथ देने के लिए तैयार है। चुनाव लड़ना तय है आपका? मैंने अभी आपकी बात का जवाब दिया है, जवाब देना चाहता हूँ कहीं ना कहीं मैंने आपको पहले भी आपके माध्यम से बात कहना चाहिए कि युवा जागरूक हो गया है, सरकार युवा बनाता है और सरकार ही युवा गिराता है, इसका उदाहरण देश में प्रदेश में सभी को पता है। कहीं ना कहीं युवाओं की अनदेखी हुई है और जबरदस्त तरीके से हुई है और मुझे इस बात का बड़ा दुख है, आत्मीयता से बड़ा दुख है, हृदय बड़ा परिस्थिति से है कि मेरे जैसे एक नौजवान को जिसने भांडेर क्षेत्र में खून पसीना बहाकर सैकड़ों आंदोलन किए, काम किए, उसके बाद भी मेरा टिकट काटा गया, तो कहीं ना कहीं यह मेरे स्वाभिमान और सम्मान के साथ मुझे बड़ा दुख हुआ और ठेस भी पहुंची। इसमें टिकट कटने को लेकर दूसरा रोपण किस पर करेंगे? टिकट कट तो मैं उन लोगों पर करना चाहता हूँ जिन्होंने बिना सर्वे के आधार पर सेटलमेंट पर टिकट दे दिया। आपको सबको पता है कि दोष देने से क्या फायदा है, मैं तो उन्हें होश में ले आना चाहता हूं कि अगर जनता जनार्दन तैयार हो गई तो मैं चुनाव लड़ूंगा और डंके की चोट पर लड़ूंगा। आप भांडेर की जनता के साथ हैं? भांडेर की जनता के साथ हैं, दिल से साथ हैं, मन से साथ हैं और उनके कदम से कदम मिलाकर उनके साथ हूँ, अगर वो कहेंगे तो चुनाव लड़ूंगा। छल से टिकट नहीं लिया, ना मैं मांग रहा था, लेकिन मेरे द्वारा छल किया गया, मेरा टिकट काटा गया, इस बात का मुझे बड़ा अफसोस है और जनता जनार्दन का आशीर्वाद मेरे साथ है आज की स्थिति में। और मैं पूछना कहना चाहता हूँ, मैं चुनाव लड़ूंगा, बस हमारी जनता आदेश कर दे कि चुनाव लड़िए और लोगों का आदेश आ रहा है, इसलिए आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ मैं चुनाव लड़ूंगा। युवाओं की गई है और युवाओं को टिकट कहीं ना कहीं पार्टी के द्वारा नहीं दिया जा रहा है, इस बात का अफसोस है। मैं तो युवाओं से फिर आपके माध्यम से एक बार फिर से पुरजोर तरीके से कहता हूँ कि युवाओं आप जाग जाओ, युवा पीड़ नहीं है, युवा निरुत्थित है, उनकी हक की लड़ाई लड़ने के लिए मैं भी तैयार हूँ, आप भी तैयार रहे। युवा लोग सरकारें बनाते हैं और सरकारें गिराते हैं, इसलिए अपनी हक की लड़ाई लड़े और हमेशा अपना हक पाने के लिए तैयार रहे और संघर्ष